हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ जो डीओई ने इशू किया है। मतलब कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, किस बच्चे को ग्रेस मिलेगी, कंपार्टमेंट कैसी रहेगी, कंपार्टमेंट कितने नंबर पर आ सकती है। और ये 2023-24 की मैं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे जो पास प्रमोशन पॉलिसी है वो क्लास 9th की बात करूँगा और क्लास 11th की बात करूँगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, थर्ड से लेकर जो 8th क्लास की जो पास प्रमोशन पॉलिसी है, मैं उसके बारे में ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो वो वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, थर्ड से लेकर 8th क्लास वाली। अब इस वीडियो में क्लास 9th और क्लास 11th वाले बच्चे समझ लें कि कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा। देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है ना, आपको पता है तीन सब्जेक्ट, पहले मैं 9th की बात कर रहा हूँ, तीन सब्जेक्ट जो है आपके मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और SST है, और तीन लैंग्वेज है, तो आपके टोटल यहाँ पे 6 हो गए। तो यहाँ पर बता रखा है, अब जैसे किसी का IT हो तो उसके बारे में अलग बता रखा है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि आपके इंटरनल जो स्कूल में जो टीचर्स के आते हैं वो 20 मार्क्स हैं, जो आपके एक्सटर्नल मतलब जो आप मिड टर्म और फाइनल टर्म के देंगे 80 मार्क्स का है, 80 में से मिड टर्म 20 मार्क्स का है और फाइनल टर्म जो है 60 मार्क्स का है। और अगर स्किल सब्जेक्ट की बात करें तो थ्योरी 50 है, प्रैक्टिकल 50 है। अगर मिड टर्म की बात करें तो थ्योरी 25, प्रैक्टिकल 25, क्योंकि ये 50-50 का है ना, ऐसी फाइनल टर्म में भी थ्योरी 25, प्रैक्टिकल 25 है अगर आपका स्किल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, स्किल में जैसे IT होगी, FM होगी, इस तरीके से। अगर आपका म्यूजिक का सब्जेक्ट है तो ये पैटर्न दे रखा है, होम साइंस का ये पैटर्न दे रखा है, मतलब कितने नंबर में से मार्क्स जुड़ेंगे, मतलब मिलेंगे। आप कहेंगे सर हमारा तो जो लैंग्वेज का पेपर है, ये मैथ्स का, SST का, साइंस का, वो 80 नंबर का आ रहा है या 60 लिखा है। 80 जो नंबर का आपका पेपर होगा उसे बाद में 60 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कंप्यूटराइज अपने आप हो जाएगा। आप 80 नंबर का दे रहे हो तो उसको 60 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे किसी बच्चे के मान लेते हैं 80 में से उसके नंबर 40 आए हैं, तो जब इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो 60 में से उसके 30 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे के 80 में से 50 आए हैं तो 60 में से पता कैसे होंगे, 50/80 मल्टीप्लाई में 60 कर देंगे, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो उतने नंबर्स के बन जाएंगे। ठीक है, तो 300 को 8 से डिवाइड करोगे उतने नंबर्स के बन जाएंगे, तो हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 + 3 = 24 हो गया। ठीक है, और कितने यहाँ पर कह रही बचे 6। ठीक है, 8 × 7 = 56 और फिर 8 × 40, तो 37.5 उसके नंबर लगेंगे 60 में से। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करने होंगे, वो आपको नहीं करना, वो ऑलरेडी कंप्यूटराइज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझो, पूरा बताऊंगा एक एक चीज। अब जिन बच्चों के 91 से 100 के बीच में उनको A1 ग्रेड मिलेगा, जिनको 81 से 90 उनको A2 ग्रेड, अगर किसी के 90 आ गए ना तो उसको A2 मिलेगा। जैसे 91 हो A1 मिल जाएगा, 91 से 80 वालों को B1, 61 से 70 वालों को B2, 51 से 60 वालों को C1, 41 से 50 वालों को C2, 33 से 40 वालों को D, और 32 से जिसके नीचे आएंगे वो फेल होगा। यहाँ पर पूरी बात समझना, टोटल मिला के यहाँ पर बताया गया कि देखो 9th का सेम रहता ना, तो यहाँ पर एक बात और बोली गई कि कोर्स कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ना, मतलब जो आप स्कूल में हेल्थ या फिजिकल जो भी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, गेम्स वगैरह में, तो उसकी भी ग्रेड मिलती है। ठीक है, उसकी भी जो ग्रेड मिलती है, जो आर्ट्स, एजुकेशन, ड्राइंग वगैरह, उसमें भी ग्रेड है। तो ये बता रखा है, अगर किसी बच्चे को ए मिलेगी तो आउटस्टैंडिंग सबसे बढ़िया ये ग्रेड होती है, इसके मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक, कोर्स कैरेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर बता रखा है पास के लिए, पास के लिए बता रखा है कि हर जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज के और 3 SST, साइंस और मैथ, इनके हर सब्जेक्ट में 33-33 टोटल मिला के लाने हैं। टोटल मिला के मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, मिड टर्म, फाइनल टर्म, सबको एक साथ जोड़ दो। लेकिन एक कंडीशन है, आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बोल रखा है टोटल मिला के तो आपको 33% लाने हैं पास होने के लिए। अब किसको ग्रेस मिलेगी और क्या बता के सुनो, ये कह रहा है कि आप टोटल मिला के तो 33% लाएंगे, फाइनल टर्म में 60 में से आपके 25% आने चाहिए, यानी कि 15 नंबर। जिस बच्चे के 60 में से 15 नंबर आ गए, ठीक है, तो वो आराम से पास हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब अगर 80 नंबर का वो पेपर दे रहा है तो 20 नंबर अगर वो ले आया, अगर वो 80 में से, बच्चों सुन लो, 20 नंबर ले आया तो आप पास हो जाओगे। अगर आप फाइनल टर्म में 20 नंबर नहीं ला पाए
तो फिर आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, ग्रेस भी नहीं लगेगा। यहाँ बता रखा है ग्रेस तभी मिलेगा जैसे किसी बच्चे के फाइनल टर्म में तो मान लो जो है 25% ले आया, मतलब 20 मान लो उसके बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम 60 में से करें तो 15 बन रहे हैं, ठीक है। अब 15 नंबर बन रहे हैं 60 में से, और फर्स्ट टर्म इंटरनल मिला के उसके 15 नंबर बन रहे तो 30 बन गए, तो 5 नंबर की ग्रेस देके उसे पास कर दिया जाएगा। सुने मेरी बात? और एक बात और सुन लो, बहुत अच्छी बात बताई गई है। अगर किसी बच्चे के पास 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत या कोई और लैंग्वेज, तो अगर वो इन तीनों में से, ये ध्यान सुन लो, जो एडिशनल है जैसे हिंदी इंग्लिश मेन है, इन दो लैंग्वेज में से अगर किसी एक लैंग्वेज में फेल हो जाता है, जैसे मान लो इंग्लिश में फेल हो गया, तो संस्कृत उर्दू पंजाबी पास है तो उसके नंबर लग जाएंगे सिर्फ अगली क्लास में ले जाने के लिए, ये बताया गया। अगर आप दोनों लैंग्वेज में फेल हो गए, हिंदी में भी फेल हो गए और आप इंग्लिश में फेल हो गए, तो फिर आपको तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। मतलब ये है कि आप ये सुन लो, आपकी जो हिंदी और इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है ना, इनमें से अगर आप एक में पास हो जाते हो और तीसरी जो लैंग्वेज संस्कृत उर्दू पंजाबी है उसमें भी आप पास हो जाते हो, तो आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर आप SST साइंस और मैथ में पास हो तो। आप सुन लो, इसमें कंपार्टमेंट के बारे में बता रखा है कि किन को कंपार्टमेंट मिलेगी। अगर कोई बच्चा मेन सब्जेक्ट में जो क्राइटेरिया दे रखा है टोटल मिला के 33 नहीं ला पाता तो उसे ग्रेस मिल जाती है, लेकिन अगर फाइनल टर्म में 15 नंबर 60 में से 15 यानी कि 25% नहीं ला पाता तो उसे कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, और कंपार्टमेंट सिर्फ दो सब्जेक्ट तक दी जाएगी। सिर्फ दो सब्जेक्ट तक कंपार्टमेंट देने की बात की जा रही है, ये 9th क्लास के लिए कह रहे हैं, बाकी आपको प्रमोट कर देगा और 10 नंबर तक की ग्रेस मिल जाएगी, ठीक है। ग्रेस वो हर सब्जेक्ट के लिए ग्रेस कही गई है, ठीक है, ग्रेस हर सब्जेक्ट के लिए की गई है, तो इसमें आप टेंशन मत लेना और आप खूब मन लगा के पढ़ाई कर लो अच्छे से, ठीक है, जो आपके पेपर बचे हैं वगैरह। तो अब कंपार्टमेंट के बारे में हम अलग, जब मैं तो चाहता हूँ किसी की ना आए, ठीक है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब 11th क्लास पर आ जाओ। अब आप 11th क्लास की पास प्रमोशन पॉलिसी सुन लीजिए। देखिए आपके जो सब्जेक्ट है कुछ कंपलसरी है, आपको पता ही होगा, अब आपने जो जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे, आर्ट्स स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो या साइंस स्ट्रीम हो, यहाँ पे कोडिंग वगैरह उसकी लिखी हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर का पैटर्न भी आपको पता है, पेपर दे रहे हो। आपको बता दूं कि जो आपके वेटेज है ना मार्कशीट, थ्योरी 70% और प्रैक्टिकल 30% रहेगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी 30% और प्रैक्टिकल 70% के होते हैं, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो थ्योरी 60% और प्रैक्टिकल 40% मार्क्स के होते हैं, तो उनके हिसाब से बता रखा है कि मिड टर्म में कितने मार्क्स उनके जुड़ेंगे और फाइनल टर्म में कितने जुड़ेंगे। तो 70 है ना थ्योरी में, तो मिड टर्म में 20 और फाइनल टर्म में 50। अब आप देखेंगे पेपर तो 80 का आएगा लेकिन बाद में 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो मिड टर्म में 5 और फाइनल टर्म में 25, वो आपको पता लग जाएगा कितने घंटे का पेपर देते हो उसके हिसाब से, है ना। जैसे ये वाला जो पेपर है फाइनल टर्म का 1 घंटे का होता है ना, तो अब थ्योरी में 60 और प्रैक्टिकल में 40, तो फाइनल टर्म में 40 का लगेंगे, आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो आपने देखे होंगे, तो उसके हिसाब से बता रखा है। अब मेन जो बच्चे जानना चाहते हैं कि पास कितने वाला होगा। अगर हम 11वीं का ए पार्ट पढ़ते तो यहाँ बोला गया कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33% उसे अलग अलग लाने होंगे, ठीक है, पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोल दी गई कि अगर कोई बच्चा 25% मार्क्स ले आता फाइनल टर्म में, देखो यहाँ पर जो 33% की मार्क्स की बात की गई है ना थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग लाने की, ये पूरे पेपर की बात की गई, पूरे मतलब फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म को मिला के। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि ग्रेस भी मिल सकती है आपको अगर आप फाइनल टर्म में 25% मार्क्स ले आए। जैसे आपका फिर 80 नंबर का होगा तो 80 में से आपको 25% लाने, यानी कि 20 नंबर, क्योंकि वो बाद में 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 50 में कन्वर्ट होगा तो 50 का 25 आपको कितना लेना, 12.5 नंबर। सुन रहे मेरी बात? और ये बताया गया कि अगर कोई बच्चा फाइनल टर्म में 25% ले आता है तो उसको 10 नंबर तक की ग्रेस मिल जाएगी। मान लो किसी बच्चे के फाइनल टर्म में जो है वो ले आया, ठीक है, 80 में से वो 20 नंबर ले आया, ले आया, और फाइनल टर्म के बाद जो प्रैक्टिकल थ्योरी जो भी मिला रहे हैं तो उसको मिला के उसे 30 बन रहे, तो 3 नंबर को उसको ग्रेस मिल जाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि मेन आप ये याद रख लो कि जो भी आप पेपर दे रहे हो उसमें आपको 20 80 में से मार्क्स या 30
25%, चाहे वो कितने भी नंबर का पेपर आए, आपको लाने होंगे अगर आपको पास करना है तो। और कंपार्टमेंट तभी दी जाएगी जब आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, अगर आप दो में हो जाते हो तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी कंपार्टमेंट के रूल लिखे हैं उसके बारे में मैं चाहूंगा कि किसी की भी कंपार्टमेंट ना आए, सब पास हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की लापरवाही है किसी वजह से या पेपर ना देने की वजह से कुछ रीजन होते हैं जिससे उनकी कंपार्टमेंट आ जाते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आप सबको पेपर अच्छे गए हो और अच्छे जा रहे हो, ठीक है। और बाकी तो ग्रेस वगैरह के बारे में बता रखे हैं, और मतलब क्या क्या जो ग्रेड वगैरह लगाई जाती हो तो उसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इतना ही बहुत था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।